नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। आज मैं फिर लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों की राजनीतिक कुंडली। आज बात करेंगे कोलायत विधानसभा सीट। यहां से कांग्रेस ने एक बार फिर भंवर सिंह भाटी को मैदान में उतारा है और अब बीजेपी ने पूनम कंवर भाटी का टिकट बदलकर उनके बेटे अंशुमन सिंह भाटी पर दाव खेला है। यहाँ के 2018 के चुनाव पर अगर नजर डालें तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूनम कंवर भाटी चुनाव हार गई थी। कांग्रेस के टिकट पर मौजूदा विधायक भंवर सिंह भाटी ने पूनम कंवर को 11,016 वोटों से शिरकत दी थी। 2018 के चुनाव में पूनम कंवर को 78,489 वोट मिले और भंवर सिंह ने 89,505 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। वर्तमान में यहाँ भंवर सिंह भाटी विधायक है। कोलायत राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह पवित्र कोलायत झील की वजह से जानी जाती है। इस झील के आसपास कई मंदिर है लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध कपिल मुनि मंदिर है। यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी। कोलायत तहसील में पड़ने वाला विश्व प्रसिद्ध चूहो वाली माता के नाम से देशनोक स्थित करनी माता मंदिर एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ के जातिगत समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर 253,000 के आसपास मतदाता है और यहाँ पर राजपूत मतदाता सबसे अधिक है। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी भंवर सिंह भाटे की तो वे 2013 से विधायक है। ये 2013 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवी सिंह भाटी को हराकर चर्चाओं में आए थे। 2018 में दूसरी बार ये कोलायत से विधायक बने। भाटी को पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और फिर ऊर्जा राज्य मंत्री बनाया गया। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी अंशुमन सिंह भाटी की तो वे पूर्व सांसद महेंद्र सिंह भाटी के बेटे और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के पोते हैं। मां पूनम कंवर की जगह टिकट बदलकर इस बार उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। इस बार कोलायत विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये तो जनता ही तय करेगी। आज बात की कोलायत विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी और एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू करवाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।